तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। Not fair। अरे शब्बन बाहर निकल, क्या छुपी बैठी हुई है? बाहर तो निकल जरा तू, क्या किया मेरे साथ? हाँ है, क्या हो गया? मैंने किसी के पैसे देने जो मैं छुप के बैठूंगी? क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है? वाह शब्बन, मेरे बेटे को तलाक होगी और मैं चिल्लाऊं भी ना। तो तू क्यों चिल्ला रही है? तेरा बेटा चिल्लाए, तेरी बहू चिल्लाए। अरे कैसे खानदान से रिश्ता जड़वाया तुमने? शादी 3 महीने भी नहीं चली, कम से कम 2 साल तो चलती। मैंने शादी कराई थी तो फोन का गद्दा तो नहीं दिलवाया था कि गारंटी भी देती? और अल्लाह जाने इस बेचारी मासूम बच्ची के साथ क्या सलूक किया कि तलाक ही ले ली उसने, टिकी नहीं। अरे तलाक उसने नहीं ली, हमने दी थी। रोज फटे मुँह, वैसे बड़ी ढीठ औरत है, इसमें भी अपना सिर ऊंचा रखना चाहती है। जो भी कहो, मेरे चांद से बेटे के साथ क्या सलूक किया तुम लोगों ने? जुमला सही कर ले, चांद सा बेटा नहीं है, चांद से आया हुआ बेटा है। शुक्र कर चांद पे इंटरनेट नहीं है, वरना वहाँ की जो बुढ़िया है ना, सबसे पहले तेरे बेटे के खिलाफ स्टेटस लगाती। जितनी तवज्जो तो जुक्तों पे देती है ना, मेरे बेटे के रिश्ते पर दी होती ना तो आज इसका घर बसा होता। नहीं जा, नहीं शुक्र कर तलाक हो गई इज्जत से, वरना जिस तरह तेरा बेटा था ना पकौड़ी नाक वाला, तेरी बहू ने वैसे किसी के साथ बात करना। अरे चल चल, बात करना फजूल है, चल चल फजूल। चल यार बाबू, बाकी दुकान पे जाके करते हैं। अरे क्या बाबू, जनानियों वाले गाने पे खुद को आईने में देख रहा है। लेकिन बाबू वो दिन भी दूर नहीं जब कोई हसीन सी आवाज प्यार से तुझे बुलाएगी। ले भाई बाबू, तुझे रास ना आई है तन्हाई। अरे कौन है? अच्छा अच्छा हसीन आ रहा हूं। या अल्लाह, इस हसीन को तू अपने पास बुला ले और मुझसे मिलने के लिए किसी महजबीन को भेज दे। अरे आ रहा हूं आ रहा हूं। हाँ भाई बाबू आ जा। Very nice। कौन पेट्रोल चुरा रहा है मेरा? बहुत घटिया। क्या हो गया तुम्हारी प्यारी सी आवाज? आज मेरे को गला बैठ गया, आवाज
शन्नो को आवाज लगा दो प्लीज, आवाज लगा दो। बेल बजा लो। लाइट नहीं है ना, लाइट आवाज लगा दो ना। शन्नो 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 जोर से शन्नो। अदोय क्यों मेरी बीबी को आवाज लगा रहे? मुझे इसने कहा था, उसकी दोस्त है शन्नो। बेले मैं क्यों बोलूंगी, मेरी दोस्त होगी तो मैं खुद आवाज लगाऊंगी ना। अभी तो तुम्हारी आवाज खराब थी, अभी घास खाई है क्या? हाँ अरे 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 शन्नो मेरी बहन है, मैं संभालती हूँ ना सर, आप ऊपर जाइए। संभाल क्या खुद को? हाँ मैं संभालती हूँ, मैं संभालती हूँ, मैं आप बेफिक्र बेफिक्र बहन है हमारी। क्या मिलता है मुझे तंग करके तुम्हें? ओ आगे आगे शन्नो। हाला इतने प्यार से ना दिखा कर मुझे तुझसे प्यार हो जाए कर। हर वक्त का मजाक मुझे नहीं पसंद, हमारे साथ तो जिंदगी ने मजाक कर दिया खाला। जब मैं जुत्ती उठा के लगाऊंगी ना तेरा सारा एक्टिंग निकल जाएगी। क्या हुआ है खाला, क्या हुआ है? मैं तंग आ गई हूँ तुझसे, शमशाद की बहू आई थी तेरी शिकायत लेकर। शमशाद? नाम तो देखो शमशाद, कसम से खाला पता नहीं लगता जनाना है मर्दाना। शक्ल ना इसकी बिल्कुल मर्दाना है और हरकतें जनाना है ना, है ना? चुप कर जा, कोई दिन ऐसा नहीं जब तेरी शिकायत ना मुझे मिले। शर्मिंदा हो गई हूँ मैं, जलील हो गई। कितना कंजूस मोहल्ला है, नहीं कई शिकायतों को बजाय ये मैं खाना लाके दे तो मैं एक वक्त का खाना ना पकाना पड़े, है ना? चबलियां ना मारा कर, बकवास बंद कर अपनी। खाला गर्म समोसे खाने का दिल कर रहा है, मेरा बड़ा दिल कर रहा है। अभी 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 बाहर से वापस आई है, फिर बाहर जाएगी हमारा। समोसे की लत है ना, लू ये लत तुझे मैं मारती हूँ, बता रहे लत होती क्या? चल अंदर चल अंदर। अच्छा अवारा जैसी, क्या करूँ मैं इस लड़की का, दिखती नहीं घर। देख जरा कौन आया है। बाबू भाई आइए, क्या बात है। एनी कौन आए? वही जिसके लिए सदा संवरा जा रहा है। चल कसम ले ले ऐसी कोई बात नहीं। वाह खाला क्या बात है, यहाँ बुद्धा सिर्फ बुद्धा से पागल हो गई है, खाला पे इल्जाम लगा रही है। ये इल्जाम किसी के लिए एजाज है। वो घर जा रहा था, गरम गरम समोसे मैंने देखे तो आपके लिए ले आया हूँ मैं। खाला क्या बात है, क्या बात है। बाबू भाई अभी हम लोग समोसों की ही बात कर रहे थे, है ना खाला? अच्छा हा? अरे ये तो बड़े इत्तेफाक की बात हो गई। इत्तेफाक? ऐसा वैसा इत्तेफाक? बस इत्तेफाक में बरकत होती है। बरकत हरकत के बगैर होती नहीं, लेकिन हरकत पता होनी चाहिए कि कैसी। दुकान कैसी चल रही है? समोसों से अंदाजा नहीं हुआ दुकान कैसी चल रही है खाला। नहीं, मैं इनकी दुकान की बात कर, तो मैं भी इनकी दुकान की बात कर रही हूँ। कौन से हलवाई की दुकान की बात कर रही हूँ? बड़ी बातें बनानी होगी। बात तो बात की हद तक करती हूँ, बनाना तो और भी बहुत कुछ आता। समोसे ठंडे हो रहे, चल चाय बनाना जाके। चल समोसे बेशक ठंडे हो जाए लेकिन जज्बात ठंडे नहीं होने चाहिए। अभी लाई अभी लाई अभी लाई। इसको इतनी चलाक हो गई है। अजीब जिंदगी में ना हो जज्बात तो किस बात की है बात। क्या बात की आपने, लेकिन ये ओजी हटा देना तो वजन बराबर हो जाएगा। ओए ओजी, जो जी में आए कह देना चाहिए, बस बात में वजन होना चाहिए। बाबा पता नहीं कहाँ चली जाती है, जहाँ जाती बैठ जाती है। मैं आती हूँ अभी। यानी सुने ना, thank you.
बाबू बाबू बाबू। अरे सुल्तान तू, अरे मेरा यार, कैसा है यार बाबू? हाँ फर्स्ट क्लास बाबू यार, तू भी फिट है यार। कितना खुश लग रहा है ना तू, मुझे यकीन है तू मेरा कर्जा वापस करने आया है। शुरू हो गई जलाल, चलो अंदर चल के बात। अरे तेरे साथ जो बातें करनी है ना वो घर के अंदर बैठ कर करनी है। हट ना। अरे सुन ना, वैसे का वैसा ही है। वाह भाई वाह, घर तो बहुत अच्छा रखा हुआ भाई तूने। गर्मी बहुत है भाई, एसी चलाओ, एसी जल्दी करो। एसी चलने में जितना करंट लगता है ना, उससे ज्यादा चलने के बाद बिजली के बिल से लगता है। तो बाबू कुंडा डालो। अरे कुंडे की तो तू बात ही ना करना, याद नहीं है तेरे फुप्पा? अरे वो कुंडा डालते हुए तो ऊपर गए थे। अरे बाबू शुक्र है कि वो कुंडा डालते हुए ऊपर निकल गए, वरना जो उनका केस पकड़ा गया था ना फुप्पो के हाथ से ऊपर जा चुका था। बस एक बात है, जिल्लत की मौत से बेहतर है कुंडे की मौत। अच्छा तेरे नजदीक तो ये इज्जत की मौत है, लेकिन आसान उर्दू में इसे मुतमईन बेगैरत कहते हैं। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही आ रहा है आजकल। अच्छा मासूम बातों में लगा रहा है। कुछ खाने पीने के लिए पूछो यार। कंजूस माल होते हुए किचन खाली। चलो बाहर चल के खाते हैं। चल कर नहीं खाएंगे, आराम से बैठ कर खाएंगे। ये ठंडी ठंडी अगर छोड़नी है तो फिर एसी चलाने की। अबे तेरी गाड़ी कैसे चल रही है? अरे जबरदस्त है, मैं चलाऊंगा। अच्छा चल ठीक है, चलो निकलो। चला, भूख लग रही है। बिल तू देगा? अबे हाँ दे देंगे। चल, चल। वैसे बाबू कमाल है यार, 2 साल पहले जब मैं हैदराबाद गया हूँ तो तू वैसे का वैसा ही है ना, तुम्हें अपनी गाड़ी बदली है ना अपनी सोच बदली। अरे हाँ बड़ी बातें आ गई है तुझे, पैसा है ना जेब में तभी बोल रहा है तू। पैसा अपनी मेहनत से कमाया है तो किसी का लेके नहीं भागा हूँ। अरे जैसे भी कमाया है वो ही बोल रहा है। अच्छा बात सुन बाबू, सब बढ़िया खाना खिलवाऊंगा तुझे। वो नहीं है अपना हालाना का हैदराबाद में? हाँ हाँ, वहाँ पे कढ़ाई गोश्त वाला है। वही हो जा, तूने एक दफा मुझे खिलाई भी दी। यहाँ आ गया क्लिफ्टन में। अच्छा अपना यार है? अरे यार मैं तो अपने इलाके से कभी बाहर निकला ही नहीं। अबे तू तो वही पकौड़ा और समोसे में लगा हुआ है, कभी जेब से पैसा निकला ही नहीं तेरे। चल भी, ऐसा खाना खिलाऊंगा याद करेगा। जा ये जगह आ जा बाबू। यार जगह तो अच्छी है। अरे तबीयत खुश हो जाएगी तेरी। अरे गांव तक ये तो सुल्तान ही लग रहा है। सुल्तान तो सुल्तान ही है भाई। हाँ भाई क्या खाएगा? माश की दाल है। चमा चमा माश की दाल। अबे कढ़ाई गोश्त की खास जगह। यार कढ़ाई गोश्त महंगी होगी। अबे यार चुप कर, पैसे मैंने देने हैं यार, तुझे क्या है? अरे इनके पैसे तो दे देगा, तू मेरे पैसे कब देगा? चुप कर भाई। अच्छी सी कढ़ाई, रायता, प्याज है और गरम गरम नान लेके आ, फटाफट जल्दी, भूख लग रही है। औकात दिखा दी ना, इसके सामने ही पैसे मांगनी है। अरे तो तूने कौन सा निकाल के मुझे दे दिया उसके सामने? दे देंगे यार, ऐसे इस बार तेरी शादी करा के जाऊंगा मैं। अच्छा ये बता के हैदराबाद में कर क्या रहा है तू? प्रॉपर्टी का काम, सबसे बेहतरीन काम है प्रॉपर्टी का, कहीं भी कर लो, चाहे हैदराबाद में कर लो चाहे कराची में। अब मैं कराची शिफ्ट हो रहा हूँ, यही करूंगा प्रॉपर्टी का काम। बंगला खरीदूंगा, किराए पे ले लूंगा, मेरा यार साथ है ना मेरे, किराए पे बंगला लेके बस वहां से काम शुरू कर। बंगला ले लूंगा है, और जब आंख खुलेगी तो भाभी जूती लेके खड़ी होगी। कौन सी भाभी? भाभी फारिग है। ए, क्या हाल किया है बालों का तूने? ये देखा, दो दो मुंह हुए हैं बालों के। अलग तब तक मेरे बालों का ख्याल रखोगी जब तक कोई दूसरा नहीं आ जाता। हेलो, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम शब्बन किसने रख दिया? शब्बन नाम तो मेरा अम्मी जी ने रखा था, शिवाना पानी, बस उसको मॉडर्न कर लिया जरा सा, शब्बन हो गया। हालां कम से कम मेरी नजर में मॉडर्न तो कहीं से भी नहीं। मॉडर्न? ये मेरा नाम जुलेखा किसने रखा है? जुलेखा, जुलेखा तेरी दादी ने। ऐसी कोई झकी औरत थी, तेरे दादा ने कबूल किया तो बस फिर कबूल ही किया, कुछ और ना किया। कुछ नहीं किया? दादा ने कुछ क्यों नहीं किया? वो फिर पैसे वाली थी दादी तेरी, इसलिए नहीं किया। तो दादा अगर करते तो क्या करते? दूसरा निकाह।
तो और क्या बताया, तो है ऐसी जकी औरत थी, ऐसी बकवास औरत थी, अपने आप को तो हीरोइन समझती थी किसी फिल्म की। खूबसूरत थी क्या वो? कह तो रही हूँ खूबसूरत नहीं थी, ऐसी जकी थी, बदशकल पैड़ी शकल की थी, हीरोइन क्या तो हीरोइनची लगती थी। ऐसे भी ना कहो खाला, जो तेरा नाम रखा था ना जुलेखा, वो ऐसे लगता जैसे कोई ऐसे करके बुढ़ी माई चलती भी आ रही जुलेखा। वो तो मैंने ऐनी रख दिया, शुक्र कर, और किसी को बताने की जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा वो खाला मैंने बदर को बता दी। पागल हो गई है सत्यानाश तेरा, जाए घर की बात बाहर वाले को बता दी। खाला अगर वो बाहर वाला घर वाला हो जाए तो घर वाली बात घर में रह जाएगी। अच्छा एक बात सर, वो नहीं है जो केबल वाला, वो क्या नाम है उसका, क्या नाम? हसीन। अपने बोलो हसीन, बस नाम का ही हसीन है, शक्ल तो उसकी इतनी पैड़ी है। तौबा, उसको जाके बोल के इंटरनेट गंदा आ रहा है। अभी तो चल रहा है, क्या होल फोल बक रही है, और उसको बोल के 12 बजे के बाद फिर लगाए रात। कैसी पैकी पैकी बातें कर रही हो, दिमाग तेरा सही नहीं है, इतनी मासूम ना बन। लोड शेडिंग नहीं होती, भूल गई है 12 बजे के बाद आती है लाइट। ओ हाँ 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 मैम क्या हो गया बाजी, क्या 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 मतलब क्या हो गया, आपने सीटी बजाई है? मैं तो गेम खेल रहा था। बदतमीज, बात कर लेती तो वैसी कर लेती, ठीक है तेरी। अरे क्या मिलता है जलील करके सबके सामने मुझे। लड़की हो लिहाज करो, उन्हें कसम खुदा की। लड़की जात हो लिहाज करते हो और आती जाती लड़कियों पे सीटियां मारते हो, वाह। तुम बता ना तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, बता ना तुम्हें। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कितनों को अच्छी लगती हूँ। बताओ मुझे, मैं उनका मुंह तोड़ देता हूँ। तुम लड़के इतने जज्बाती डालो, बोलते क्यों हो? मुंह तो तब तोड़ोगे ना जब आती जाती लड़कियों पे सीटियां मारना बंद करोगे। मैंने कहा मारी सीटी? हाँ मारी है, झूठा कहीं का। बाबू तेरी किस्मत हमेशा से बैड रही है, इसी वजह से तू सैड रहा है। अरे तो किस्मत कौन सा, कोई अपने हाथ में होती है। अबे जो तेरे हाथ में है उसका तो सही से इस्तेमाल कर। क्या मतलब? अबे पैसा पैसा बहुत है तेरे पास, और तू जानता है कि पैसा जो है ना वो सबकी कमजोरी होता है, उसका फायदा उठा। अबे बेवकूफ, कमजोरी का तो नुकसान होता है, कभी फायदा भी हुआ है? अबे पावले, तेरा तो फायदा ही है ना, तू पैसे वाला है यार। अच्छा वो दुकान पे तू किसी औरत का जिक्र कर रहा था, बच्चन, क्या नाम था? चब्बन, चब्बन, हाँ हाँ, हाँ रिश्ते करवाती हैं वो, बड़ी अच्छी खातून है, हमारे मोहल्ले में ही रहती है। तो अपने रिश्ते की बात कर उससे। पागल हो गया तू? मैं अपने रिश्ते की बात करूंगा? ए, रिश्ता खुद चल कर आएगा मेरे पास। हेलो, इस उम्र में इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, कहीं रिश्ते से पहले मौत का फरिश्ता ना आ जाए। अरे कुतुबुद्दीन, अरे शक्ल तो अल्लाह की दी हुई है, इंसान बात तो अच्छी करे ना। लगी है, लगी है। चल लगी है। चल जल्दी से चाय बना। अच्छी, अबे चल जा, चाय बना तेरे लिए। ऐसे खानता मैं यार, कितना नीच इंसान है, हर वक्त पैसा। हैदराबाद से आया, इतनी दूर से तेरे लिए आया हूँ, पैसे मेरे देता नहीं है, चाय पीने आ जाता है। यार तू बहुत ही शूम है। अबे चल, मेरी बात सुन, अल्लाह से ये दुआ किया कर कि या अल्लाह पाक, अच्छा अच्छा पैसा तो है, मुझे खर्च करने की भी हिम्मत दे मेरे मालिक। अच्छा चल चुप कर, पिलाता हूँ तुझे चाय। वैसे कमर झुक गई है तेरी, माफ करना। आपकी तारीफ सारी दुनिया करती है, आप भी करें ना। ये मेरा बचपन का दोस्त है सुल्तान, खून में मेरी मिट्टी, मिट्टी में मेरा खून। आज तो बड़ा चहक रहा है बाबू भाई। अरे करीब आके देख, महक भी रहा हूं।
देखो कितनी फनी वीडियो वायरल हुई है, देखो ना। शुक्र है वीडियो वाले तुम्हें नहीं देख रहे, वरना वो भी ये कहते हैं। क्या मतलब है? मैं बहुत बोर हो रही हूँ, आओ मेरे साथ। है? चलो। आओ ना, किसी को तंग करते। नहीं नहीं भाई नहीं, तुम बच जाओगी, बली का बकरा मैं बनूंगा नहीं। मोहब्बत में इंसान पता नहीं क्या क्या नहीं करता। बताओ क्या? बताओ क्या क्या कर लेता है? यही के महंगी किस देता है? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तुम्हें क्या क्या पसंद है मेरे अलावा? तुम्हारे अलावा मुझे सब पसंद है। क्या मतलब है तुम्हारा? नफरत है मुझे कंजूस लोगों से, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और साथ में ऐश्वर्या चाहिए। नहीं, मैंने तो पढ़ा था कि औरत प्यार की भूखी होती है। आखिरी भूखी आराम है मिसिंग बच्ची, मौत का सबब मोहब्बत में फाकर कशी। ये तुम कैसी गहरी बातें कर रही हो? क्या बोल रही थी? अच्छा, मोबाइल मंगवाओ नया। किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए मंगाना है तो मुझसे क्यों पूछ रहे? अरे अपने लिए मंगवाऊंगा तो तुम्हें दूंगा ना। नौकरी हो पर अब्बा को धोखा देके मंगवाओगे? शैतान। अरे शैतानी नहीं है, सुनो मोहब्बत ना जीना सिखा दे। मैंने सीवी डाली है, दुआ करना अच्छा रिजल्ट आया। सीवी की जगह अगर कमेटी डाली होती ना तो यकीनन अच्छा रिजल्ट आता। मेरी वफा का तकाजा है। हाय बदर, तू कब आया? कैसा है? ठीक है? ठीक ठाक। चल अब आ ही गया तो एक काम कर दे, मैं जा रही थी बाजार, अब तू कर। काम तो मैंने डाला है, एक क्लाइंट घेर लिया है। कमीशन डबल लूंगा मैं, बता रहा हूँ। कमीशन डबल लूंगा। लालची हो गया वैसे है, काम तो कर, फिर कमीशन कमीशन देखी जाएगी। पहले जाके ये लेके आ, ये ले जा सामान लेके आ बाबू की दुकान से, और हिसाब भी लिखवा दे कितना। चल जा जा ना। मैं भी जाऊँ ना। बैठ जा, बैठ। अरे बदर बेटा। हाँ। कैसा है मेरा लाल? बस दुआएं आप। देख एक काम कहा था तुझसे, सारा दिन मोहल्ले की मटर गश्ती करता है, मेरे बेटे के लिए कोई लड़की नहीं दिखा सकता? तू तो ऐसे करी जैसे सारे मोहल्ले की लड़कियों में मीन नजर लगा देने इल्जाम। हाँ खाला, वो शबन खाला से बात करूंगा मैं तेरे बेटे की, लेकिन एक शर्त है। वो क्या भला? वो अगर तेरे बेटे का रिश्ता हो गया, अगर अगर हो गया तो तू मुझे आधा कमीशन दे। बारात आई नहीं खाना खोलने की पहले फिक्र, रिश्ता तो करा दे, कमीशन भी दे दूंगी। बस आज शाम तैयार है ना? बोलना नहीं। तू भी नहीं बोलना, कमीशन। हाँ शाबाश। ये अल्लाह खैर, इतना सामान आगे उधर चल रहा है, इतनी देगा नहीं देगा बाबू। हाँ ये भाई 5 किलो से ज्यादा है चीनी। चल रख दे, शुक्रिया बहुत। बाबू यार तू उस दिन जिक्र कर रहा था ना, वो रिश्ते जो कराती है चब्बन। अरे वाह, जिक्र मैं कर रहा था और याद तुझे आ रही है। अबे तेरी फिक्र है मुझे लड्डू रे। अरे मेरी फिक्र छोड़, ये अपनी हरकतों को देख। अरे मोहल्ले में दुकानदारी करनी है, कुछ ख्याल किया कर। बस सारी जिंदगी दुकानदारी करना इस मोहल्ले में, अपना घर बसाने का ना सोचना, बेवकूफ इंसान। अच्छा चलना, नाराज ना हो, ये 4 पैकेट बनाने दे गांव के, उसे अभी आना है। अबे शब्बन के घर ले चल, उससे बोलेंगे कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ ले यार। सीधा शब्बन के यहाँ चलते हैं फिर, है ना? यार क्या यार, ये बाजरा गीला गीला लग रहा है ये, तो इसको थोड़ी देर छत पे डाला ना जाके। सुसी खानी जट
السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی تعریف ساری دنیا کرتی ہے، آپ بھی کریں نا. یہ میرا بچپن کا دوست ہے سلطان. خون میں میری مٹی، مٹی میں میرا خون. تو سنا سنا سا لگ رہا ہے. اگر آپ دیکھا تو ایسا کہتے تو زیادہ خوشی ہو. یہ شروع سے ہی ایسا ہے. شروع سے مناسب لگ رہا ہے. میں اس کے منہ کی بات نہیں کر رہا، اس کے مزاج کی بات کر رہا ہوں. مزاج کا کیا ہے، اسے بھی ہو جائیں گے آشنا. یہ آشنا کچھ ٹھیک نہیں ہے. آشنا بدلنے کے بعد بھی آشنا ہی رہتا ہے. تو کوئی بات نہیں، بدل دیں گے آشنا. آشنا یہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے. کیا آشنا آشنا کے چکر میں پڑ گئے، آئے نا اندر. لوگ کہیں گے لوگوں کا کام کہنا. چھوڑو بیکار کی باتوں میں. کیا رکھا ہے، کیا رکھا ہے خالہ؟ یہ ان کے دوست ہیں سلطان، اور سلطان جی یہ میری بھانجی ہے نی. اچھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام سلطان کیسے رکھا ہے؟ میری دادی نے. آپ کی دادی امیر تھی کیا؟ بہت. جب ہی آپ کے دادا کچھ نہیں کرتے تھے. جی جی. آپ کو کیسے پتا چلا؟ سیم اسٹوری. اب ایسے اس کی تو عادت ایسی باتیں بناتی رہتی ہے. تو بنائے نا باتیں، ہم تیار ہیں. آپ تو واقعی بڑے تیار ہیں، گلے میں چین، ہاتھ میں گھڑی. واہ 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 سلطان صاحب، آپ تو کمال ہے. جانا مہمان آئے، کچھ کھانے پینے کو لے کر. کھانے؟ کچلا کھائیں گے؟ جی نہیں، کچھ ثابت لے آئیے گا. اوکے بیٹھے نا. بیٹھے نا، آپ بھی بیٹھتے. صحیح ہے نا، آپ لوگ ٹھیک ہے نا؟ گرمی تو نہیں لگ رہی؟ نہیں لگ رہی، بالکل ٹھیک. خالہ. ہاں ہاں. خالہ دودھ پھٹ گیا ہے. ایک منٹ، آ رہی ہوں. پتی جیسی بکوف. ابھی وہ لائٹ دے رہی ہے، میں تو ایسا اٹک رہا ہوں. ارے شبن خالہ کے پاس تیری بیٹی کے لیے ایسے ایسے رشتے ہیں، ایسے ایسے رشتے کہ تیرا دل خوش ہو جائے گا. تیرا بیٹا تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا، بتا رہا ہوں. ارے میں تمہیں جوڑا بھی دوں گی، پیسے بھی دوں گی، خوش کر دوں گی تمہیں. کیا ہوا، رک کیوں گئے؟ چلو. اور سناؤ بہن، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. بدر بڑی تعریف کر رہا تھا. بس بہن، پہلے لڑکی جوان ہو تو اس کی فکر ہوتی تھی، اب اس سے زیادہ لڑکوں کی فکر ہے کہ لڑکی اچھی مل جائے. ارے خالہ، فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آئیے نا شپن خالہ کے پاس، ایسا ٹائٹ آئٹم لا کے دیں گی، ایسا ٹائٹ آئٹم لا کے دیں گی نا آپ کو. تو پھٹے منہ، کیسی بغیرتوں والی زبان استعمال کر رہا ہے. مطلب خاندانی خاندانی لڑکی. اچھا تو آپ کی ڈیمانڈ کیا؟ ڈیمانڈ کوئی خاص نہیں، بس بہو ایسی ہونی چاہیے. تو بہت خوبصورت ہے. واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو بڑی پیاری ہے. خیر تو بیٹے کی بھی تصویر دکھائیں گے تو. ہاں ہاں رہنے دیں، رہنے دیں. کیوں رہنے دیں، یہ میرا بیٹا. کیا ہوا، کرنٹ ہے تصویر میں؟ کرنٹ نہیں ہے، اس کا تو فیوز ہی اڑا ہوا ہے. اللہ معاف کرے. ایسے تو نہ بولو میرے لال کو. لال کا شیڈ بلیک نہیں ہوتا. ویسے بہن ایک بار بتاؤ، ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تمہاری اپنی بیٹی کے لیے خالہ اگر اس شکل کا رشتہ آتا تو تم کر لیتی؟ میل ملاپ کے لیے بات تو بڑھانی پڑتی ہے نا. ہائے ہائے، میل اس قابل ہو تو ہی نا. خالہ اگر اس کو رکھ کے بات بڑھائی تو بات تو بڑی دور تک چلی جائے گی، بہت بڑھ جائے گی. یہ تو مجھے کہاں لے آیا، میں نے بیٹے کے رشتے کے لیے بات کی تھی، ذلیل ہونے کو نہیں کہا تھا. ویسے میں ایک بات بتاؤں، اس تصویر کو دکھا کے نا تیری ڈیمانڈ نہیں پوری ہو سکتی. ہاں ریمانڈ ضرور ہو سکتی. خالہ خالہ خالہ، لاؤ تصویریں دو. دے دو. دے پکڑ تصویریں. میرا کمیشن خالہ. دفاع ہو. اللہ معاف کرے، بہو چاہیے اور اپنا بیٹا دیکھا، اس کا تو ناک ہی 6 مرلے میں پھیلا ہوا ہے. بیٹے منہ کیسے کیسے آفتے لے آیا تھا. ارے دل رکھ لے دی یار. چل چل دل رکھ لے دی، بڑا پاپا جیسے. کمیشن مارا گیا.
अरे वाह सुल्तान छा गया। यही तो खास बात है तेरी सुल्तान, तू सरा सी तवज्जो देता है अपने आप पर और माहौल बदल जाता है। राजी वाह ये ओहो आ रहा हूँ मैं जिंदगी आ रहा आज तो बड़ा चहक रहा है बाबू भाई। अरे गरीब आके देख महक भी रहा हूँ। आजकल खबरें बड़ी है ना तेरी कर गया। अरे तो ये तो अच्छी बात है, कुछ तो इन हुआ वरना तो सब आउट ही हो गए। ये जो तू इस उम्र तक कमारा रह गया है इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि तू कमारों वाली हरकतें भी करे। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो ये तू भरम दिखा रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ मोहल्ले में सीसीटीवी क्लोज सर्किट कैमरा लगवा लूँ तेरी वजह से। अरे पहले सर्किट को क्लोज होने तो दे, कैमरे भी लगवा ही लेंगे। और एक बात याद रखी, ये जितने मर्जी तूने सीसीटीवी कैमरे लगवाने हैं ना लगवा ले, जब वारदात होगी ना सारे बंद पड़े होंगे। कसम से बाप की उम्र क्या है वरना बताता तुझे। अरे अपने बाप की इज्जत नहीं करता तू। अरे हमारे हाथों में जवान हुआ है और हमें आंखें दिखा रहा है। ये जो तू हरकतें कर रहा है इस पे लानत पड़नी चाहिए तुझे। चल चल जा यहां से। बाबू खामोश है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने चूड़ियां पहनी हुई है। चूड़ियां पहनी नहीं हुई, कहीं पहना रहा है, सब देख रहा हूं मैं। वो चल चल तू निकल के नहीं यहां से। चल निकल निकल। वैसे ना सुल्तान साहब आप हैं बहुत नॉटी। ओनली 40। इतना मजाक लगते नहीं है क्या? मैं 40 का नहीं लगता। नहीं लगते तो खैर 50 के हैं। मेरा मतलब लगता नहीं था कि आप इतने नॉटी होंगे। ऐसा लगने के लिए मुलाकात तो जरूरी है। मुलाकात तो बहुत जरूरी है। यहाँ कराची में आप कहाँ रहते हैं? बाबू के घर में। बाबू के घर में आपका अपना घर नहीं है? अपना घर बसाने के लिए तो आपके पास आया हूँ। क्या मतलब? मतलब है मैं तो हैदराबाद में रहता हूँ ना, यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ तो बाबू के घर में रह रहा हूँ। हाय हाय, तो हैदराबाद से किसकी निगरानी में शिफ्ट हुए यहाँ? क्या क्या मतलब? मतलब ये कि हैदराबाद से तो लोग ठीक होके आते हैं ना, पूरी टीम लेकर आती है उनको वापस। ओ मैं समझ गया, मैं गिद्दू बंदर से नहीं आया हूँ। यू आर आल्सो वेरी नॉटी बट नॉट 40। वैसे नाम से तो आप 40 से भी बहुत आगे का काम लगते हैं। नाम तो मेरा शबाना है। अरे वाह क्या नाम है, शबाना, मुलाकात का बहाना, शब आना, होए होए होए। वैसे जब मैं कॉलेज जाता था ना तो जब लड़कियां मुझे देखती थी तो उनकी छोटी छोटी आंखें जो है ना वो फैल के बड़ी हो जाती थी। हाय क्यों ये इतने हौलनाक थे आप? मेरा मतलब है गजबनाक। वैसे एक बात बताएं, आप सिर्फ रिश्ते कराती हैं या रिश्ते निभाना भी जानती हैं? हाँ सोचा तो था पर कोई भाया ही। भाया नहीं या आया नहीं? सोचेंगे जरा हालात बेहतर हो जाए। क्या वो कल मैंने बाबू के हिसाब वाला रजिस्टर देखा, उसमें आपका भी हिसाब लिखा हुआ था। बाबू से इतना राजी रखा गया? नहीं बाबू ने मुझे नहीं दिखाया, मैंने खुद देखा। क्यों आपने क्यों देखा? क्योंकि उसमें मेरा भी हिसाब था। ओ अच्छा। पहले तो मेरा दिल चाह के मैं उसको फाड़ के जला दूं रजिस्टर को, ना रजिस्टर रहेगा ना हिसाब। लेकिन बाबू तो आपका दोस्त है। हाँ दोस्त तो है लेकिन मैं दोस्ती में हिसाब किताब का कायल नहीं हूँ। तो फिर किस चीज के कायल हैं? सिर्फ आपकी मुस्कुराहट का। नॉटी। अरे फोन बज बज के पागल हो गया, बजा रहे लड़की उठा ले फोन। मेरा ही फोन है। हेलो जी शब्बन स्पीचिंग जी, बताइए रिश्ते के सिलसिले में बात करनी है। जी जी कीजिए कीजिए। है तलाक करानी? अरे ये कौन सा बड़ा काम है, नो प्रॉब्लम,
بلکہ شادی سے زیادہ طلاق کرانا آج کل آسان ہو گیا ہے, لیکن ایک بات ہے, فیس ڈبل ہوگی. ہاں جی, آپ نے شاید دیکھا نہیں ہے, وہ رشتے کے فارم کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ طلاق ہونے کی صورت میں اگلا رشتہ کرانے کی آپ کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا. وہ تو آپ کو دینا پڑے گا نا. نہیں نہیں, آپ پہ کیوں الزام آئے گا؟ ارے اس کی بالکل فکر نہ کریں, شبن اپنے کلائنٹس کو سیٹسفائی کرتی ہے. ڈونٹ وری, بی ہیپی. ہاں جی, ان شاء اللہ, سی یو سون, گڈ بائے, خدا حافظ. خالہ, اب کیا طلاقیں بھی کراؤ گی؟ ارے کام ہے, یہ بزنس ہے, دھندا ہے, کوئی بھی کام ایسا ویسا نہیں ہوتا. کیا ہوا خالہ؟ تم نہ یہ آن لائن ڈرامے دیکھنا بند کرو. لاؤ میں تمہارے فون سے نیٹفلکس آج ڈیلیٹ. چھوڑ, آن لائن بند کرو. آج کل سب کچھ ہی آن لائن ہو رہا ہے, شادی آن لائن, طلاق آن لائن, عشق آن لائن. اور اگر سب لین کے آگے تو طلاقیں کیسے ہوں گی بے وقوفے؟ بزنس بند کرائے گی, ٹھپ کرائے گی تو. چل چائے بنا کے دے, میرے سر میں درد ہو رہی ہے بہت زیادہ, جلدی کر. لیکن طلاق. ارے واہ, مزہ آ گیا یار. بابو, آج میں وہ چھپن کی طرف گیا تھا. وہ اکیلا اکیلا وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ ابے تیرے لیے گیا تھا یار. میرے لیے کیوں گیا تھا تو؟ یار کیسا آدمی ہے تو, نہیں چاہتا تجھے کوئی توتلی زبان میں پکارے. نہیں نہیں نہیں, میں کسی توتلی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا. ارے پاولے, تیرا وارث, تیرا بچہ ابو آ گئے. ویسے دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہو اور میں ان سے کہہ لو میرا چونا بیبی. یہ لائن تو آج کل بہت ان ہے. کون سی لائن؟ میرا چونا بیبی. آج کل کے ماں باپ بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں؟ ماں باپ کا تو پتہ نہیں, لیکن آج کل لڑکے اپنی بچی کو یہی کہہ رہے ہیں, میرا چونا بیبی. میں بھی اپنی شبل کو یہ. میرا مطلب ہے کہ میں بھی اپنی بچی سے یہی کہوں گا. ویسے اس عمر میں یہ لائن آپ کو سیف نہیں ملتی. کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ پتہ نہیں, شبن کے میرا مطلب ہے جو بھی لڑکی سامنے ہو اس کا مزاج ملتا ہو یا نہیں ملتا ہو. اچھا چلو ٹھیک ہے, میں شبن سے خود اپنے رشتے کی بات کر لوں گا. یار اس سے ڈائریکٹ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے تیرا. یار کیوں ٹھیک نہیں ہے بھائی؟ دیکھو شبن جس جس کے رشتے کراتی رہی ہے اس میں زیادہ تر طلاقیں ہوئی ہیں. تو پھر کیا کریں بھائی؟ میں ڈائریکٹ شبن سے بات کروں گا رشتے کی. ارے تو اس سے کیا طلاق نہیں ہوگی پھر؟ نہیں ہوگی نا, کیونکہ میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں گا, بیچ میں کوئی ہوگا نہیں. ہاں یار میری سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی. ارے یار تو ذہن پہ بوجھ مت ڈال, ابھی نہیں سمجھ آئے گا تجھے. اصل میں ابھی تو نے روٹی کھائی ہے نا, روٹی نیچے گئی ہے نا, دماغ کو ٹھنڈا کر, میں تیرے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں. اوکے؟ عجیب سی باتیں کرنے لگ گیا سلطان, تو مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ تو اگر ڈائریکٹ بات کرے گا تو طلاق نہیں ہوگی, اور اگر بتا لے 24/7 تنتنا 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 تنتنا. ہاں بھائی بنٹے, مال نہیں آ رہا تیرے پاس. تنتنا تنتنا, شرم نام کی کوئی چیز ہے تیرے پاس؟ کیا ہوا خالہ, سو سو غصہ کر رہی ہو؟ خیریت؟ باپ ملک سے باہر, بیٹا آپ سے باہر. ہوا کیا ہے؟ یہ خط تو نے میری بہو کو لکھا ہے نا. خط؟ بہو؟ ابے تیری بہو ہے یا قطری شہزادی کہ میں خط بھی لکھوں گا؟ زوری اوپر سے سینہ زوری, یہ کس نے لکھا ہے؟ جان سے پیاری چھنو, آگے دیکھ آخر میں تیرا نام بھی لکھا ہے. یہ تو لکھا ہوا ہے تو واقعی لکھا ہوا ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ کیا ہوا خالہ, کیا یہ دیکھو, کیا اس کو دیکھ, محلے کی بہو بیٹیوں کو خط لکھے گا اب؟ یہ بہو کو یعنی خدا کی قسم سازش ہے. کون سے پیاری چھنو, سازش ہے, سازش ہے تو پکڑی گئی ہے نا. خالہ چور بڑا شاطر ہے, پر پورا کمپوز کر کے بیٹھا تاکہ پکڑا نہ جائے. تو شکر ہے کہ گھر کے مردوں تک بات نہیں پہنچی. مرد مرد کا سائیکل خالہ, اب مرد تو آئیں گے نا. خالہ تم جاؤ, میں دیکھتی ہوں نا, خط سنبھال لینا, سنبھال لینا خط, دکھانا نہیں. ہاں کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کچھ کر کے میرے ساتھ؟
सुकून चल तो रही नहीं खराब था खराब लगा लिया फेंक दे नए ले लेना चल तू जैसे आदमी को भी कोई पसंद कर सकता है अरे तू कहना क्या चाह रहा है वे एनी की आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है यार खाला बस खा लेंगे क्या चाय बनाती है आपके पीने से अंदाजा हो रहा है मुझे ये सारी जिंदगी के अंदाजों पे ही गुजार देंगे जब तक हकीकत नहीं खुलती ना अंदाजा ही रहनुमाई करते हैं अरे आप तो सीरियस ही हो गए तो आप नहीं सीरियस मैं तो बहुत सीरियस हद से ज्यादा ही लग रहे हैं वैसे ये आपकी चाय पीकर ना मरुमा बेगम याद आती है चाय पी के मरुमा बेगम याद आती है तो चप्पल खा के कौन याद आता है अब्बा अच्छा ये बताएं कि आपकी बीवी का इंतकाल कैसे हुआ था सदमे से हाँ पहले दिन ही ताब ना ला के जा भाग हो गई बहुत नॉटी हैं आप वैसे बाबू के रजिस्टर में जो हिसाब लिखा हुआ है वो कैसे अदा होगा ये सोचा है आपने थोड़े दिनों की बात है हो जाएगा कोई ना कोई बंदोबस्त कुछ नहीं होता थोड़े दिन क्यों अभी क्यों नहीं मतलब क्या है आपका ऐसी बात करने मतलब ये एक दोस्त की तरफ से अरे नहीं 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 ऐसा ना करे ना एक दोस्त की तरफ से सुल्तान वैसे नहीं करे सुल्तान भी कह रही है और मना भी करनी है रख लेना बोझ पड़ जाता है ना ऐसी पहले इतना बोझ है काहे का बोझ मैं बाबू नहीं हूँ हाँ क्यूट फिर नॉटी अरे अरे ध्यान से बाबू वो तू सुबह सुबह इतनी टशरे निकाल के यहाँ से कहाँ से आ रहा है वो मैं हाँ मैं जॉगिंग कर रहा था जॉगिंग अरे उधर कौन सा तेरे बाप की ग्राउंड है जहाँ जॉगिंग कर रहा था बाबू भाई दुकान क्यों बंद कर रखी है नहीं बस जा रहा हूँ खोलने के लिए क्यों कुछ चाहिए था चूना है किसे लगाना है आज तो नहीं है कल ले आऊंगा फिर ले जाना अच्छा ठीक है अरे बाबू यार ये मैं क्या देख रहा हूँ यार क्या तुझ जैसे आदमी को भी कोई पसंद कर सकता है अरे तू कहना क्या चाह रहा है वे एनी की आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है यार ये पागल हो गया क्या अबे पागल मैं नहीं हुआ पागल है नहीं हो गई ये यार हैरान कौन है लेकिन मैंने तो कभी उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी है अबे तू औरतों की खसलत को जानता नहीं है हाँ इनकी मंतक अलग है जो इन्हें पसंद करता है उसे इग्नोर करती है और जो इन्हें इग्नोर करता है उसके पीछे 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 भागती है वाह गुरु वाह लगता है सारी जिंदगी काफी तजर्बा उठाया तूने लेकिन यार एक मसला है अबे तेरा क्या मसला है यार तेरे पास पूरी जायदाद है दुकान है और अल्लाह ताला ने मामूली सी चकल भी दे दी है तुझे मामूली सी चकल भी दे दी है अरे कोई सुल्तान नाम रखने से सुल्तान बन नहीं जाता है बस सुन मैं नहीं पता है तुझ पे क्यों मरती है क्यों एक तो तेरी इनकम दूसरे तेरे दिन कम अबे कुलचे अरे यूं की घटिया किस्म की जुगते मत लगाया कर मुझे आजकल ऐसी आ रही है तू अपना मसला बता यार सुल्तान मसला ये है कि एनी ना मुझे बाबू भाई कहती है तो क्या हो गया रिश्ते निभाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ता है ना यार पागल हो गया तुम मेरा दोस्त है या दुश्मन भाई मैंने जो देखा है नहीं की आंखों में मैंने तुझे बता दिया अब
سے پاگل ہے تیرے پیچھے باولے, بہترین چانس ہے. ہاں پروانہ نہیں ہے. ارے چل ٹھنڈا پلا, جلدی دکان کھول, چل چل. اے کہاں ہو؟ آپ خیالو ایسے نہ بولا کرو پلیز. تو پھر کیسے بولا کروں؟ جیسے میں بولتی ہوں. اتنا پیارا میں کیسے بولوں؟ اب نخرے نہ دکھاؤ نا پلیز. قسم سے ایسی بات نہیں. تو پھر کیسی بات ہے؟ یہ تو مل کے ہی بتاؤں گی. تو پھر کب مل رہے ہیں؟ جب تم بولو. ہائے اللہ, شکر ہے شکر ہے تو آ گیا. اتنی دیر لگا دی, پتہ بھی تھا کہ ہم نے رشتے کے لیے جانا. اچھا خالہ, وہ جو اس دن تصویر دی تھی اس کا کیا ہوا؟ آ گیا جواب ڈاکٹر صاحب کے گھر سے. کیا جواب ہے؟ کہہ رہے ہیں اب دعا کرو, ایسی فاقہ زدہ تصویر تھی. خالہ اتنی بھی بری نہیں تھی. اچھا میری بات سن, چل اب ہمیں لیک صاحب کے گھر جانا ہے, اور وہاں جا کے یہ نہ پتا چلے کہ ہم دونوں کی سیٹنگ ہے. سیٹنگ؟ خالہ کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہی ہو کیا؟ خالہ کون یقین کرے گا؟ چھی چھی چھی, دور پھٹے منہ تیرا, بےہودہ باتیں سوچتی تجھے. میرا مطلب ہے کہ یہ نہ پتا چلے کہ ہم دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. فیس تو دونوں طرف سے لے لی ہوئی ہے نا, بس تو انکار کر دیجیے. اچھا انکار کے 5% الگ سے لوں گا. دور نہ کی, چل دیر ہو رہی ہے. اس تاریخی موقع پہ ایک عدد سیلفی. اینی اینی آؤ نا بیٹھو, چھوڑ دیتا ہوں بائک پہ. یو آر رائٹ, میں بائک پہ نہیں. شکل تمہاری سائیکل والی ہے, وہ الگ بات ہے, نہیں تمہیں بائک کا پوچھ لیا. شکل وہ سارا چشمہ, کیا خرابی میری شکل میں؟ غور سے دیکھو میری شکل. اس شکل جیسی نا پورے محلے میں کسی کی شکل نہیں ہے. سنا تم نے, اینی نام ہے میرا. ایک آواز لگاؤں گی نا, گاڑیوں کی لائن لگ جائے گی لائن. ہاں شوق پورا کرو, کر لو شوق پورا. ہاں میں کسی کی کنگلی کے ساتھ بائک پہ نہیں, شہزادے کے ساتھ گاڑی میں جاؤں. ایکسکیوز می, السلام علیکم. آپ مجھے آپ آگے تک چھوڑ دیں گے؟ دل تو نہیں چاہ رہا, لیکن آپ کہتی ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں. دل نہیں چاہ رہا, کیسے باتیں کر رہے ہیں. سامان پکڑے, میں گاڑی پکڑا. اوئے ہاتھ کیسے پکڑا تو نے؟ ہاں ماروں میں. اوئے کیا سمجھ, کیا ہمارے محلے میں لڑکی کا ہاتھ پکڑا, شرم نہیں آ رہی تھی؟ ماں بہن ایک نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہوا, سب سب ٹھیک ہے. ہو گیا شوق پورا. جا تجھے معاف کیا بے خودی سی میری سانسوں میں بھر گئی, تو نشے کی طرح مجھ میں اتر گئی. بے خودی سی میری سانسوں میں بھر گئی, نشے کی طرح مجھ میں اتر گئی. کوئی ہوش نہیں کوئی خبر نہیں, کیسا جادو ہے یہ سر چڑھا. یہ دل اپنے ہی قاتل کے ہے آگے پیچھے گھوم رہا. بہکارے بہکارے دل ڈولنے لگا, اڑنے کو سنگ تیرے
नहीं कोई खबर नहीं कैसा जादू है ये सर चढ़ा ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा चल मेरा बच्चा दुपट्टा ले और जा रिश्ते वाले आए चल शाम अरे मुझे भी जाना नहीं जिद करते ना जा चली जा जा मेरा बट्टा चल 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 ना मैं आ रही हूँ चाय लेकर चल मैं आ रही हूँ बस माशाल्लाह जैसा सुना तो उससे भी ज्यादा प्यारी है बकार भाई की तो किस्मत खुल गई है देखने में लगता है जहेज भी ठीक ठाक ही देंगे हेलो हाँ जान जान अभी नहीं आ सकती समझा करो ना कुछ लोग मिलने आए हुए आऊंगी ना अब रात को आऊंगी अभी दिन में अच्छा नहीं लगता ना जान आई लव यू टू ओके बाय अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या आंटी आप जानती हैं कि जहेज एक लानत है हाँ बिल्कुल है और ये लानत लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं और जिसको लानत दी जाती है उनको क्या कहते हैं लानती तो मुझे किसी लानती फैमिली में शादी करके नहीं जाना तौबा कितनी बदज़बान लड़की है ये अच्छा हुआ अम्मी अभी हकीकत खुलकर सामने आ गई अभी हकीकत खोल ना दूं और मैं ज्यादा चलो निकलो बाहर निकलो बोरा दरवाजा निकलो ऐसी बददिमाग लड़की तो सारी उम्र घर में बैठी रहेगी बहन जी चाहे चाहे मैं बैठे तो सही बस बहुत इज्जत करवा ली खुदा हाफिज चलो निकलो और मेरी तस्वीर तो जाओ ये ले पकड़े चलो जादू करने वाली लड़की शक्ल से लालची औरत कहेंगी मिल गया तुझे सुकून है मिल गया ठंड पड़ गई निकले जे मैं खाला ऐसे लोगों में जाने से बेहतर है मैं सारी जिंदगी आपके साथ रहूं एक बात बताओ खाला ये जो देखने आते हैं इतना दिखावा क्यों करते हैं झूठे थे जहेज चाहिए था इन्हें जब शख्सियत की मौत हो जाती है ना तो इंसान उजार का इस्तेमाल करता है इतने सेंटी माहौल में इतना बड़ा फलसफा जरूरी था बहुत जरूरी था इस वक्त मिठाई की क्या जरूरत थी अरे बाद में भी तो आनी है हाँ आनी तो सबकी है किसी की जल्दी और किसी की देर से देर से चाहे आए बासी ना आए वाह आज भाभी की बरसी है आप एक साल के बाद जश्न आजादी मनाने लगे कल जो इन पे बरसी थी आज उसकी बरसी है वैसे आप मर्दों के भी खूब ऐश हैं जब दिल करता है आजाद हो जाते हैं वाह मगर दिल तो अब भी कैद होना चाह रहा है ज़मीर की कैद भी हो जाए ना ये क्या होता है इज्जत के साथ जलील करना बड़ी नॉटी हैं आप वैसे ये बताइए कि आपने जितनी शादियां कराई हैं उनका तलाक का रेशियो इतना ज्यादा क्यों है हाय हम क्या करें मिजाज ही नहीं मिलते तो मलबा सारा हमारे पे गिरा देते हैं अपना लड़का इतना मोटा पकौड़े जैसी नाक उसकी और क्या की लड़की चाहिए परी जैसी हम क्या करें अच्छा अच्छा आप ज्यादा गुस्सा ना करें वैसे आप एनी के रिश्ते की बिल्कुल फिक्र ना करें हम एनी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता तलाश करें शरीफ और नेक खाला बस खा लेंगे क्या क्या कहा मैं कह रही हूँ कि मिठाई खानी या फ्रिज में रख दूँ नहीं नहीं फ्रिज में रख दे ठंडी करके खाओ ठंडी करके खाला कितना अच्छा मौसम हो रहा है कहीं बाहर चलते हैं ना मेरा दिल कर रहा है यहाँ क्यों अच्छा शॉपिंग भी चलते पैसे नहीं है उसके लिए मेरे पास सुल्तान है ना सुल्तान के होते हुए आपको पैसों की फिक्र नहीं करनी चाहिए कौन सुल्तान अबे मैं और कौन अच्छा 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 हाँ हाँ क्यों नहीं चले खाला उठे ना चलो चले आइए Thank you.
क्या बात है भाई, क्या हो गया? भाई ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। मैं क्या कर रहे हैं, इतना गुस्सा क्यों खा रहा है? अबे मोहल्ले में नजरबाजी ठीक नहीं है। अबे नजरबाजी तो कहीं भी ठीक नहीं है, और ये जो है ना पतंगबाजी, कबूतरबाजी और जितनी भी बाजियां है ना, सुल्तान जो है ना सुल्तान, इन सब चीजों का सुल्तान है। और बात सुन, बाबू ने तेरी टेंशन खत्म कर दी है। क्या, क्या, क्या मतलब है तेरा? अबे वो जो तेरी ऐनी है ना, शब्बन क्या रिश्ता लेने गया था उसका। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ऐसा हो चुका है। और ये व्हाट्सएप और ये यूट्यूब का जमाना नहीं है आशको वाला। हाँ, ये पक्के आशिक का जमाना है। जा अपना काम कर। बाबू भाई, सुल्तान भाई, सुल्तान भाई मेरी मदद करें। खुदा की वास्ते आ गया लाइन पे। अच्छा बचा लो, फिल्में देखता है? हाँ। अगर हीरोइन पे मुसीबत आ जाए तो हीरो क्या करता है? अगर बेगैरत होगा तो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, गैरतमंद होगा तो फिर उसकी। बड़ा सच्ची बात भी है, इस वक्त भी जुखते मार रहा है। एक काम कर, बाबू का काम कर दे। कैसे? अबे जब इश्क किया था मुझसे पूछने आया था कैसे? नहीं। अबे बाबू को कट लगवा दे, ऐसे ठीक हो जाएगा। कट लगवा दे। बाबू बाबू तू बच, बाबू तू बच। हाँ ठीक है ठीक है, बच। अबे शीशा तोड़ेगा क्या दुकान के? हाँ इसके थे ना 2500 और 3500, यहाँ पे उसका 2500, 3500 और ये 4500। अब्बू आ गए। अरे सुल्तान आजा आजा आजा। अबे यार बाबू ये हर वक्त ये थकाते लेके क्यों बैठा रहता है? अरे बंदा जन्नत में तो बगैर हिसाब के जा सकता है, लेकिन कारोबार बगैर हिसाब के नहीं कर सकता। यार बाबू मुझे एहसास है तेरे पैसे लौटाने में। अरे वो तो मैं यूं निकलवा लूंगा, पता भी नहीं चलेगा। यार बाबू वो शब्बन वाला उधार चुकता हो गया? कहाँ, ये देख, ये अभी रहता है। अभी तक अदा नहीं किया उसने? नहीं। इतना बड़ा धोखा है? क्या किसका धोखा? नहीं मैं ये कह रहा था कि भाई सामने वाले की शराफत से कैसा फायदा उठाया जा रहा है यार। है? अरे यही तो मैं भी समझाना चाह रहा हूँ। किसको? सामने वाले की शराफत का नाजायज फायदा उठाने वाले को। वो बदर आया था आज दुकान पर। अच्छा? अरे आज उसके तेवर बिल्कुल मुख्तलिफ थे एनी की वजह से। अच्छा? कह रहा था बाबू को छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। अरे तो देख ले, मैं दुकान पर ही होता हूँ, मैं कौन सा कहीं चला जाता हूँ। अबे बावले वो तुझे धमकी देकर गया? धमकी? अरे चल कंगला कुछ तो देकर गया। चलेगा। हेलो निसार भाई। और यार ये आपके बंदे जो है ना माल नहीं सही तरह सप्लाई कर रहे हैं। आओ ने कहे ना रब, ये तेरी उम्र जो है ना औलाद पैदा करने की वसीयत लिखी थी, समझा? मैंने ये वसीयत लिखने के बाद ही सोचा है, तुम्हें क्या इतराज है? इतराज तो तुझे होगा जब तेरा पाला पड़ेगा सिटी बॉयज से। खानदान को बुला। बस बाबू बहुत हो गया, अब फ्लड का टाइम खत्म हो गया, बस इनफ इज इनफ। क्या इरादा है खाला, अब टीवी को भी इशारों पे चलाना है क्या? और तो कोई चलता नहीं, शायद टीवी चल जाए। मैं नोट कर रही हूँ खाला, रिमोट में तुमने नए सेल डाल रखे हैं। ज्यादा बदमाशी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा काफी दिनों से कोई नई फिल्म नहीं देखी तुमने? हाँ घर की मसरूफियत में मौका ही नहीं मिलता। मौका नहीं मिलता? आप मौके की तलाश में, और मौका रोजाना आपकी तलाश में घर के चक्कर लगा रहा है। लगाने दे चक्कर, इतने चक्कर लगवाऊंगी ना कि चक्कर खा के गिर पड़ेगा नजरों से।
जब गिर गया तो गिर गया, क्या फर्क पड़ता है नजरों से गिरे, सिर से गिरे, सामान से गिरे। तरबूज खाओगी? मीठा है तो दे दे मुझे। बहुत मीठा है खाला, चल काट के दे दे। क्यों नहीं आ रहा टीवी? ड्रामा पता नहीं किधर चला गया। थैंक यू। बात हद से बढ़ गई है बाबू। अभी ये छोटी छोटी सी मूछे तेरी, इन्हें क्या ताव दे रहा है? इन्हें ताव दूंगा तो बात में वजन आएगा। मतलब ये तेरी उम्र जो है ना, औलाद पैदा करने की वसीयत लिखी थी, समझा? मैंने ये वसीयत लिखने के बाद ही सोचा है, तुम्हें क्या एतराज है? एतराज तो तुझे होगा जब तेरा पाला पड़ेगा सिटी बॉयज से। सिटी बॉयज? अरे चल बे, सारी बातों की एक बात, ऐनी को भूल जा, समझा? अरे क्यों भूल जाऊं, तेरी फूफी की बेटी है क्या? अबे जो मैंने कहना था ना मैंने कह दिया, ज्यादा बात नहीं करूंगा। और हां, खुशबू लगाने का टाइम नहीं तेरा, अब काफूर लगाना है। अबे कवर के कीड़े, कैसी बातें कर रहा है तू? है तेरी, अबे ध्यान से बैठी, स्लिप भी ना हो जाएगी। जी जनाब, चीनी कितनी? अरे आपके हाथ की चमची भी चम्मच लगती है। आई लव, सच्ची कह रही हूँ। क्यों, आप मेरी बात पे यकीन नहीं है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल यकीन है, क्यों नहीं यकीन। लेकिन जो बात आपको मैं बताने वाली हूँ उस पे भी यकीन करना पड़ेगा। क्यों नहीं करूँगा यकीन? जो आपने मेरी मदद की थी ना, मैंने उससे किसी और की मदद कर दी। कैसी मदद? मुझे पैसे नहीं दिए थे आपने। बड़े अफसोस की बात है, आप उसको मदद कर रही है? आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो क्या मतलब है, आप इतनी सी बात पे अब खफा हो जाएंगे? कैसे खफा हो सकता हूँ, आपको मनाने का हुनर भी तो आता है। मैं तो खैर ये भी जानती हूँ कि इस पूरी दुनिया में आप जैसा सखी कोई नहीं है। अरे सखावत जीत की नहीं, दिल की देखी जाती है। अच्छा, और ये जो दिल की सखावत है ये पूरी दुनिया के लिए? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। नो। अच्छा एक बात कहूँ आपसे? हाँ हाँ। वो मुझे ऐसा लगता है जैसे आजकल आपने ना अपने ऊपर बहुत तवज्जो देनी शुरू कर दी है। अरे बस ज्यादा नहीं, वो पुराना खाया पिया है ना। क्यों पुराना क्यों, घर में नया नहीं बनता जो पुराना खाते हैं आप? बहुत नॉटी हो तुम, बहुत। अच्छा मैं इस बार चेक काट कर दे दूं? नहीं काट के नहीं, साबुत देना है, कैश भी तो कराना है ना। शैतान। मिलाऊं या नहीं मिलाऊं? बड़ी मुश्किल से नंबर मिला है जफर सुपारी का। बता बेटा, अगर तुमने नहीं मिलाया ना तो बाबू ले उड़ेगा ऐनी को। मिला दे, मिला दे नंबर, मिला दे, मिला दे, मिला दे। मिल जा, मिल जा, मिल जा, मिल जा, मिल जा, अबे मिल जा। हेलो, एक बंदे की सुपारी देनी है। अबे तो भाई जिसकी सुपारी है उसे दे। नहीं नहीं, असली सुपारी देनी है भाई, जफर भाई असली वाली सुपारी। अबे यार एक काम कर, 20 की जगह 21 मिला ले, रोजाना 10 फोन आते हैं, अगर तेरे को काम हो जाएगा तो 21 मिला। चल 20 की जगह 21, रॉन्ग नंबर। अबे फिर इतना फ्री क्यों हो रहा था? जफर भाई, जफर भाई, जफर भाई, जफर, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, हेलो हेलो, जफर सुपारी बोल। वो एक बंदे की सुपारी देनी थी। 50,000 होंगे। 50,000? ये तो बहुत ज्यादा है। एक काम करें, वो किस्तों में कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, तेरा काम भी किस्तों में करते हैं। क्या मतलब? मतलब पहले उसे चुटकियां काटेंगे, फिर उसे गुदगुदियां करेंगे,
और अगर वो लेट गया तो उसे मार देंगे। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा जफर भाई। ऐसा कर उसे खुद लिटा ले। अगर अब तेरा फोन आया ना तो तेरे नाम की भी सिपारी डाल दूंगा, बाय वन गेट वन फ्री, समझा? जफर भाई, जफर भाई प्लीज, जफर, हेलो। चलिए फिर से मिलाता हूँ। हेलो जफर भाई, प्लीज जफर भाई, प्लीज। क्या लड़के भेज रहे हैं मुझे उठाने की? नहीं नहीं, फिर रहने दें, नहीं आप वही करें जो आप कर रहे हैं जफर भाई, खुदा हाफिज। कुछ करना पड़ेगा। नहीं 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 बाबू, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। एनी मेरी है और मेरी रहेगी, लेकिन करूंगा क्या मैं, करूंगा क्या मैं? जाने सारी खुदाई मैं तेरा हूँ शेदाई, एक तू ही ना जाने माहिया। ख्वाहिशों की दुहाई धड़कनों में समाई, दिल तुझी को पहचाने माहिया। खुशबू तेरी जहां ढूंढू तुझे वहां, ना हो मेरी अखियों से दूर मेरे जन माहिया। इतने अरसे बाद आज यहाँ कैसे आ गए? खाला से बात करने आया हूँ। तो फिर ठीक है, तुम खाला से बात करो, मैं चलती हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड। नौकरी लग गई मेरी। सच? नौकरी लग गई? हाय बदर, तू कब आया? खाला कुछ प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में बिजी था तो टाइम ही नहीं मिला। अच्छा तो कितने गज निकला नतीजा? क्या मतलब? मतलब ये कि तेरे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सड़कें नापना ही होते हैं ना, उधर से उधर निकल गया, उधर से उधर निकल गया, उधर से उधर चला गया, है ना? जॉब लग गई मेरी जॉब। हालांकि वो मैं एनी का हाथ मांगने आया। हाय अल्लाह, कितनी बेशरम है, वैसे तो शर्म आ गई इसको तो, चली गई। अच्छा चल छोड़ पड़े, अम्मा अब्बा को लेके आ, लड़के नहीं अच्छे लगते ऐसी बातें करते हुए। खाला वो है, मैंने एक झूठ बोला था आपसे। है वो क्या? अब्बा बाहर नहीं है। कहाँ है? वो अंदर है, करप्शन के केस, और अम्मा उनके चक्कर में अंदर है, छुपी हुई है, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो वो भी अंदर हो जाएंगे। हाय मैं मर गई, ये कौन सा चक्कर है? गन चक्कर। अच्छा चल, कोई तो होगा ना, कोई बड़ा तो होगा जो तेरे सर पे हाथ रखे। खाला तुम हो ना? खाला सर पे हाथ रख दो। खाला मैं तेरी गुद्दी पे टका के तो रख सकती हूँ। वो भी चलेगा प्लीज। अच्छा अच्छा चल, बाद में बात करेंगे, तू पहले एक काम कर, ये ले, ये मेरा बिजली का बिल जमा करा के चल, जा टॉप अप कर देना। मैं जूती लगाऊंगी मुंह के ऊपर, बकवास कर रहे हैं, मुझे सारा पता है, जाहिल समझा हुआ है मुझे, टॉप अप जो है वो तो मोबाइल पे होता है। अरे आसान लफ्जों में कह रहा हूँ कि पैसे दे दे। हाय तो खुद जमा करा देना, लड़की नहीं लेनी है। लोग तो इतना खिलाते हैं सासों को, तू एक बिल नहीं जमा करा सकता? 6,000 तो क्या हुआ, नौकरी लगी है खैर से, चल जा जा मेरा बच्चा जा। अच्छा ध्यान है तेरा, यही लोग इतना खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं सासों को, एक बिल नहीं जमा करा सकता ये। स्वीट तो देखी अबे अंधेर, क्या देखे नहीं चला जाता? चाचा अपना काम करो, भावना खाओ सारे, चलो अबे चले जा, पता नहीं किस खानदान के उठ के आ जाते हैं। खानदान को बोला क्या वो? मैं नहीं था, खुदा की कसम मैं नहीं। नहीं 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 नहीं, बुरा नहीं समझी।
कहाँ कहाँ मारा है? ओए हो, क्या हो गया मेरे यार को? अरे दबाओ, जो तूने चाहा था वही हुआ है। क्या बकवास कर रहा है, दिमाग तो ठीक है तेरा? अरे दिमाग पर चोट लगी है ना, तभी तो ख्याल आया है कि तू आस्तीन का सांप है, दोस्त नहीं है। ओए ओए बाबू, तू हद से बढ़ रहा है और तू नजरों से गिर रहा है। अबे हुआ क्या है? अरे होना क्या है, अबे एनी की वजह से हुआ, मेरी वजह से थोड़ी हुआ है। अबे रहने दे, तू बदर ने मुझे सारा बता दिया है, तूने कैसे उसे वरगलाया है। अरे एक औरत की खातिर तूने दोस्त को धोखा दिया है? अरे तू दोस्त नहीं है, तू आस्तीन का सांप है। बड़ा दोस्ती निभा रहे हो तुम भी है, और कैसा दोस्त है तू है? दोस्तों की एक एक पाई का हिसाब लिखता है तू। और बात सुन, शब्बन को तुम मामूली औरत मत समझ। बाबू हाय, शुक्र है खुला भाई। बाबू बाबू जी, बाबू हाय, अल्लाह मर गई। क्या हुआ है बाबू? सुना तुझे तीन लड़कों ने खूब मारा है। आई एम सॉरी, क्या हुआ है? तेरे प्यार की निशानी है ये, लगता है दिमाग पे चोट लगी है। अरे पहले तो दिल पर आई थी। बस बाबू बहुत हो गया, अब फ्लड का टाइम खत्म हो गया, बस अनाफ इज अनाफ। सुल्तान को क्या हुआ, ये क्यों ऐसे मुंह फुलाए खड़े हैं? तो इसलिए कि ये दोस्त जो है मेरा, ये मुझ पे इल्जाम लगा रहा है कि तुम्हारी वजह से मैंने इसको पिटवाया गुंडों से। क्या तुम दोनों इतना गिर जाओगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस बस अब फैसला होके रहेगा, बस बहुत हो गई। हाँ तो करो, अभी करो फैसला। इतना शौक है ना फैसला सुनने का, तो कल शाम को मेरे घर आ जाना और सुन लेना फैसला। अबे बदर, तू तो बड़ा पेट का हल्का निकला, सब कुछ उगल दिया है। अच्छा बासु, इस वक्त क्यों आया यहाँ पर तू? तेरा क्या काम है भाई? फैसला तो मेरा होना है। चब्बन खाला ने बुलाया है। चब्बन खाला ने बुलाया? सच्ची इस घर से जाते हुए ना दिल बड़ा उदास हो रहा है। इतनी तलाकें कराई हैं, इतनी शादियां कराई हैं यहाँ पर। अरे शब्बन डार्लिंग भाई, ये माहौल बाद में बना लेना, पहले मेरा फैसला तो कर दो, दिल में हॉल उठ रहे। हाँ मैं ये बताना चाहती थी कि मैंने ना बदर और एनी की बात पक्की कर दी। अरे वाह शब्बन, तुमने कमाल कर दी। अरे मुबारक हो भाई, बदर तेरी तो ट्रेन निकल गई भाई। हाँ, अब बात सुनो, अब ये हार फूल, ये सूटकेस लेके कहाँ चल दी तुम इस वक्त? हनीमून? मैं दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे मेरा तुम्हारा निकाह नहीं हुआ, हम दोनों हनीमून पे कैसे जा सकते हैं? ये कैसा मजाक है? मजाक मजाक नहीं है, मुझसे निकाह करके हनीमून पे जा रही है। अरे अरे ये बाबू खुदा की कसम एनी को फुल लाइन मार रहा था। अरे एनी नहीं तो ये सारा ड्रामा रचाया है। ऐसे थोड़ी ड्रामा, ये तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तुम लोगों पे लाखों रुपए लगाए मेरा। तूने इतने सालों से मेरे बाबू का दुआ देना था, है वो कैसे देना था? तूने देना नहीं था, मैंने तुझसे पैसे लेके अपने बाबू को दे दिए और उन्हीं पैसों से हनीमून पे जा रहे हैं। अरे कैसे जाएंगे हनीमून, टांगे तोड़ दूंगा, एक मैं जाने नहीं दूंगा। अरे बात सुनो, सांसों में भर गई तू, नशे की तरह मुझ में उतर गई, बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है, आगे पीछे घूम रहा, बहका रे बहका।